टू माय न्यू ब्लॉग और मैं हूँ सुधा। तो फ्रेंड आज ये संडे का ब्लॉग है और अभी सुबह सुबह कुछ नहीं बस झाड़ू लगा के नहा चुकी हूँ और अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। तो मुझे मंदिर साफ करना है, सबसे पहले मैं अपना मंदिर साफ कर लेती हूँ। तो ये बर्तन वगैरह मैं किचन में रख के आती हूँ और ये रहे मेरे लड्डू गोपाल जी, तो इनको भी इधर साइड में रख देती हूँ। तो इधर साइड में मैंने स्टूल रखा हुआ है, तो स्टूल पे इस भगवान यहाँ से उठा उठा के रख दिए हैं और अब ये यहाँ से यहाँ पीला कपड़ा बिछाया था वो उठा लेती हूँ। और पूजा में तो जैसे आप लोग जानते हैं क्या क्या सामान रहता है, तो वही सब सामान मैंने भी रखा हुआ है। और कई दिन से ना मंदिर सोच रही थी साफ करने का, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कहा आज संडे है, छुट्टी है, तो आज मंदिर साफ करूंगी। तो बस सबसे पहले लग गई हूँ मंदिर साफ करने में। अभी मैंने चाय वाय कुछ भी नहीं पी है, तो मेरा मंदिर खाली हो चुका है और ये रख के आती हूँ और फटाफट बिछाती हूँ दूसरा कपड़ा। ये बॉक्स है पूरा जिसमें कि मैं अपने कान्हा जी के कपड़े और भगवान के अलमारी में जो भी कपड़े यूज करती हूँ वो सब इस बॉक्स में रखती हूँ। तो इसी में से मैंने एक ये दूसरा पीला कपड़ा निकाल लिया है, तो अब इसको बिछाऊंगी। तो आप लोगों से अलमारी साफ करने के बाद मिलती हूँ क्योंकि मुझे काफी टाइम लगने वाला है। आप लोग देख सकते हैं ये नीचे अलमारी में मैंने कपड़ा बिछा दिया है और अपने ये जो भी मंदिर के भगवान हैं उनको सबको क्लीन कर रही हूँ और हरे कृष्ण बोल रही थी, तो वही बस वीडियो में देख के मुस्कुरा भी रही थी। ये ऊपर ग्लास में मैंने साफ आरओ का पानी रखा हुआ है, तो बस मंदिर साफ कर रही हूँ। मैंने कहा मंदिर तो साफ करना ही है, मूर्ति वगैरह भी सब साफ कर दूंगी। तो डेली तो पोछती हूँ, जब भी सुबह पूजा करती हूँ पोछती हूँ, लेकिन वही है कि थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, तो अब अच्छे से करूंगी तो टाइम तो लगने वाला ही है। तो अभी तो केवल बस मंदिर की साफ सफाई चल रही है, मूर्ति वगैरह साफ करूंगी, पूजा तो बाद में करूंगी, तो पहले साफ कर लेती हूँ। और ये है मेरे सालीग्राम जी, देखिए छोटे से, और इसमें रखती हूँ मैं गंगा जल। तो ये गंगा जल की कैन है, तो इसमें गंगा जल हमेशा मेरे मंदिर में रहता है, कभी भी पूजा के लिए जरूरत पड़ता है। वैसे भी डेली लड्डू गोपाल जी को शंकर जी को स्नान कराना होता है, अभिषेक करना होता है, तो गंगा जल डाल के ही कराते हैं। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डेली डालती हूँ। मेरे मंदिर की सफाई हो चुकी है और पूजा भी हो चुकी है, तो आइए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे मंदिर की पूजा हो चुकी है, साफ सफाई देखिए की है, तो अभी कितना साफ स्वच्छ मंदिर लग रहा है। और ये देखिए कान्हा जी भी तैयार होके बैठ गए हैं। तो ये चाय बना दी है ऋषु ने, तो दिव्यांशु भी उठ गया है, बाथरूम में है, और इनके पापा को सब्जी लेने जाना है, तो वो भी बस अभी सो रहे हैं, तो उनको भी उठाती हूँ। वो पियेंगे ब्लैक टी, तो उनके लिए ब्लैक टी बनाऊंगी, और मुझे तो सुबह चाय चाहिए होती है, तो बस नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ। तो ये ऋषु उठ गया था, इसको बोला था चाय बनाने के लिए, तो चाय पी लेती हूँ पहले, फिर लगूंगी किचन में। गर्मी काफी पड़ने लग गई है अब, तो मैंने फैन चला लिया है कि मेरा एयर सूख जाए। और वैसे भी पूजा करते करते काफी देर हो गई, मंदिर साफ किया पूजा की, तो मेरे हेयर ना सूख चुके हैं, तो अभी गर्मी है जल्दी सूख जाते हैं, और सर्दियों में तो सूखते ही नहीं है, ड्रायर से सुखाने पड़ते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, अब मैं किचन में आई हूँ, तो ये ना आज सुबह ही मैंने सारे बर्तन वॉश किए थे, तब बाद में नहाई थी सब वॉश करने के बाद में। तो देखिए ये जो डलिया है जिसमें बर्तन रखती हूँ इसको वॉश किया था, और ये जिसमें ग्लास कप लगाती हूँ ये नीचे पिंक डलिया ये भी वॉश की थी। तो ये सब काम मैंने नहाने से पहले किए थे, तो अब इन बर्तनों को मुझे सेट करना है। तो ऋषु को चाय बनाने में बड़ा दिक्कत हुई, खिसिया रहा था कि मम्मी किचन में इतने बर्तन पड़े हैं और चाय के लिए बोल दिया है। और ये चावल मैंने कल शाम को खोले थे, तो बस ये भी भरने हैं, तो अभी भर लूँगी। और इस पॉलीथीन में गुजरात से सामान आया था वो रखा हुआ है। तो किचन के बर्तन वगैरह सारे लगा दिए हैं, चाय भी पी चुकी हूँ, और ये ना चावल पड़े थे तो ये मुझे भरने हैं, तो इनको भर लेती हूँ। और मेरे हेयर सूख के ऐसे लग रहे हैं, पूरे एकदम बिखर से है, तो वही है मैंने क्लेचर नहीं लगाया। खुले बाल करके ना काम नहीं हो पाता है। आप
बच्चे भी बुलाए थे क्योंकि एक दिन छुट्टी की थी, मौसम खराब था, बारिश वारिश, तो एक दिन छुट्टी कर दी थी। तो आज ट्यूशन के बच्चे भी संडे में पढ़ाए हैं और खाना वगैरह भी हो गया है। अब करूंगी थोड़ा सा आराम। और रिशु गया है आज कोचिंग, तो इनकी छुट्टी थी, ये छोड़ने गए थे। और अभी हम लोग जाएंगे 4 बजे उसको लेने। तो अभी 2 बज रहे हैं, आराम कर लेती हूँ क्योंकि बाकी दिन तो आराम मिलता नहीं है। बस सुबह से लेके शाम तक काम काम काम, और इतना ज्यादा थक जाती हूँ कि बस पूछो मत। और इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हूँ मैं, बिकॉज सब अपनी फैमिली के लिए ही करते हैं ताकि हम उनको थोड़ा सा कुछ अच्छा प्रोवाइड करा सकें, इसीलिए मैं भी करती हूँ। तो अब बस तैयार हो गई हूँ और रिशु को लेने जाना है, तो ये गए गाड़ी निकालने और मैं भी चलती हूँ। तो और ये देखो दिव्यांशु ने भी व्हाइट पहना है, मैंने भी व्हाइट कुर्ता पहन लिया है। तो दिव्यांशु भाई का मोबाइल रख दो और जल्दी चलो, पापा गाड़ी निकाल चुके होंगे। अब हम लोग आ चुके हैं पार्किंग में, तो ये देखिए ये गाड़ी साफ कर रहे हैं। ये देखो जसमुद्दीन बैठा है पीछे, भैया को लेने जा रहा है, है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, रिशु को ले लिया है इनके कोचिंग सेंटर से। क्यों हॉर्न बजा रहा है? देखो दिव्यांशु शैतानी कर रहा है, गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। और ये अभी गाड़ी के लिए देखने गए हैं कवर, तो गाड़ी का हमारा कवर खराब हो गया था तो देखने गए हैं। और रिशु अभी जेई की कोचिंग ले रहा है, तो बस रिशु सुबह आया था, तो अभी हम लोग रिशु को लेके अब हम लोग आ चुके हैं पार्किंग में। तो यहाँ गाड़ी खड़ी करने के हम 800 रुपए मंथली देते हैं। आईडी से करना हो या स्कैन करना हो, तो अभी अगले सैटरडे आओगे ना, जब तक एक्टिवेट कर लेना। आज ही कर लूंगा मैं। अगले सैटरडे संडे आओगे ना, तो फिर तुम्हें पेमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। आज तो फोन ही भूल गया था घर पे। फोन की जरूरत क्या थी, सुबह पापा छोड़ने आए थे, अभी भी पापा लेने आए, फोन की जरूरत ही नहीं थी आज तो। आज तो संडे था, इनकी छुट्टी थी, तो रिशु को सुबह छोड़ दिया था और अभी लेने भी आ गए। और वैसे तो रिशु अपने आप ओला में बाइक बुक करके आता है और जाता है, तो बस सैटरडे सैटरडे की दिक्कत है, संडे तो ये छोड़ ही देते हैं। ये देखिए ये कवर ले लिया हमने गाड़ी का, दिव्यांशु लेके बैठे। दिव्यांशु मुंह कैसे बना रहा है, चल स्क्रैच के कितने बता रहा है? 4000। और ये देखिए डिब्बा महाराज ने वहां पे मोमोज नहीं खाई और पैक करवा के लेके आए, और हम लोग तो वहीं पे खा के आ गए। ज्यादा कुछ नहीं, एक ये पर्स लेके आई हूँ स्कूल के लिए, तो डेली मुझे लंच बॉक्स वाटर बॉटल ये सब ले जाना होता है। और ये ना स्कूल ये पर्स ले जाती थी, तो इसमें ना वाटर बॉटल आती नहीं है, और फिर अब गर्मी स्टार्ट हो गई है तो मुझे अम्ब्रेला भी ले जाना पड़ेगा, इसलिए ये पर्स लेके आई हूँ। और ये हैंडमेड पर्स है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक ये लेके आई हूँ, ये कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसा पर्स लेने का मेरा मन तो नहीं था, लेकिन ये मुझे पसंद आ गया इसलिए मैं ले आई, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बाहर जाने के लिए पर्स है, बट ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं ले आई। और ये देखिए कितने प्यारे इयररिंग्स हैं, आप लोग पास से देखिए। तो ये भी मैं लेने नहीं गई थी, मार्केट गए, अच्छे लगे तो ले आई हूँ, अच्छे लगेंगे ना। तो फ्रेंड आज बहुत थक गई हूँ, इतना सुबह सब काम वाम किया और अभी मार्केट गई, मार्केट से आए, तो मुझे ज्यादा मार्केट शॉपिंग करना ये सब ज्यादा पसंद नहीं है। शॉपिंग क्या, मुझे ना मतलब ऐसे भीड़ भाड़ वाली मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज बहुत थक गई हूँ, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगी, मिलती हूँ एक और